नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला, और अभी मैं मौजूद हूँ एक अनोखी खबर लेकर के। आधुनिक दौर में लग्जरी गाड़ियों में बारात लेकर दूल्हा शान से दुल्हन को लेने के लिए पहुँचता है। वहीं रविवार को देवरिया जिले के रामपुर कारखाना ब्लॉक के कुसहरी गाँव में एक बारात ऐसी भी निकली जिसे देखने के लिए लोग जहाँ थे वहीं रुक गए। दरअसल दूल्हा अपनी पुरानी परंपराओं को जीवित रखने और पर्यावरण बचाने के लिए बैलगाड़ी से बारात लेके दुल्हन के घर तक पहुंचा, और हो भी क्यों ना, जब उसने अपनी दुल्हनिया से वादा किया था कि पर्यावरण संरक्षण के साथ मैं तुम्हें डोली में लेने आऊंगा। बचपन में काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि दादा और नाना की बारात बैलगाड़ी से गई थी, जिसमें उन्हें ससुराल पहुंचने में कई दिन का सफ़र तय करना पड़ा था। वर्तमान समय में अगर कोई यह कहे कि किसी की बारात बैलगाड़ी में जाएगी तो लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही है। देवरिया के कुसहरी के स्वर्गीय जवाहिर पाल के बेटे छोटे लाल पाल ने एक अजीब काम कर दिया है और डोली और वो बैलगाड़ी को आकर्षक ढंग से सजाकर ब्याह रचाने निकल पड़े। बारात कुसहरी से 32 किलोमीटर दूर पकड़ी बाजार के निकट बरदीहा गांव में जानी थी, जहां रामानंद पाल के बेटी सरिता के साथ सात फेरे लेने थे। बैलगाड़ी पर निकली बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ सी लग गई। लोगों ने अपना मोबाइल निकाला और दूल्हे और बैलगाड़ी के साथ इस पल को सेल्फी में कैद करना ही मुनासिब समझा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश दे पाएं कि हाँ, 2021 में भी ऐसा हुआ था कि कुसहरी के छोटे लाल ने अपनी बारात बैलगाड़ी से निकाली थी। कई वर्षों बाद पुरानी परंपरा से निकली बारात चर्चा का विषय बनी रही। बारात जिस गांव और चौराहे से निकली वहां लोग बारात देखने के लिए अपने अपने घर से बाहर निकल गए। आपको बता दें कि दूल्हा छोटे लाल माया नगरी मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। दूल्हे छोटे लाल ने पूर्वांचल समाचार को बताया कि प्रदूषण से जनजीवन पर पड़ रहे कुप्रभाव को लेकर जागरूकता करने के लिए उन्होंने पुरानी परंपरा को जीवित करने की पहल की है। इससे प्रदूषण में कमी और ईंधन की बचत तथा खर्चीली शादियों पर लगाम लगेगा। इसके लिए उनके बड़े भाई व ग्रामीणों के बीच यह प्रस्ताव रखा गया तो सभी लोगों ने उनका साथ दिया और उन्हें पूरे ग्रामीणों के समर्थन की बात कही है।